राम की फोटो मारा है क्या? शिकाजी सेंटर आप जो है एक एंटरप्रेन्योर भी है, लोगों को बहुत लोगों को इंस्पायर भी करती है, क्या कहेंगे एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है बिकॉज इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, शीप्रेन्योर्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू यू नो गिव देम दैट लाइट, एंड आई एम सो हैप्पी शी इज़ नॉट जस्ट पिकिंग पीपल फ्रॉम वन फील्ड, इतने सारे फील्ड से मैंने सारा देखा उन्होंने, यू नो फ्रॉम टैरो टू स्किन टू हर एक फील्ड में किसी ना किसी को चूज़ किया, एंड आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट you know to have a platform where you're actually giving them, because unko ek hausla milta hai jab aap koi acha kaam kar raha hai us field mein and aap unko ek award dete hain, they get motivated to do even better, and I think that also inspires a lot of other women out there who are looking at these women you know for inspiration. Ma'am, aap kya kehna chahenge is initiative ke bare mein, kaise thought aaya? We founded this thing about a year ago, एक साल पहले ही किया है हमने इसको, और इट इज़ अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग वीमेन टुगेदर. जितनी ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ में आई हैं, यहाँ पर भी हैं, वो सारी ही और सभी दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन फील्ड्स ऑफ वर्क, एंड पीपल हैव जॉइंड अस फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम सूरत, एंड इवन फ्रॉम अदर सिटीज़ लाइक पुणे एंड यू नो फ्रॉम मुंबई. So I'm really thankful to them, and this is a platform wherein we are encouraging women to do and come forward and support other women, and that's how the campaign is all about. So I would look forward to have even more support from everyone who is joining us even in coming months. So we are going to launch our magazine which is Aspiring She, and that's going to launch, we have already done our cover shoot with Nandita Mehta thing, and we are going to launch our breast campaign nationwide campaign in this show itself. So that also I would say that women should come forward and they should talk about it and help each other and support each other. So that's what the platform is all about. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Men's bhi bahut zyada support kar rahe hain jo hai aane wale trend mein, to kitna proud feel karti hai is cheez ko. I think I'm very proud because without my father, husband or my brother I couldn't do what I'm doing. They give me the wings to fly, aur itna zaruri hai aapko unka support lena, because at the end of the day you know they feel happy with every award that I bring back home or with every event that I do, they feel more happier than I am. So I think unka support, I'm very lucky to have three very encouraging people in my life. Right, as a woman aapse aur ek cheez janna chahunga, me too movement jo shuru ho chuka hai uske bare mein kuch kehna chahenge, abhi jo controversy bhi chal raha tha Tanushree aur Nana जी के बीच में कुछ उस बारे में सी आई थिंक वुमेन के ऊपर जब भी देर इज समथिंग लाइक दैट, आई थिंक द इंटायर इंडस्ट्री शुड स्टैंड अप एंड सपोर्ट देम, दैट्स ऑल लाइक आई लाइक टू से दैट एवरीवन शुड बी देयर इन फुल सपोर्ट. ओके मैम, एंड एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर? देयर आर लॉट ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, वी आर वर्किंग ऑन सम रियली इंटरेस्टिंग वंस इन द पाइपलाइन, बट अनाउंसमेंट के लिए आप लोग को वापस बुलाऊंगी एक बार. ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना हो थैंक यू. मैम इधर मैम, लुक दिस, वो हमारी प्रिया मोटी है. मैम सेंटर ओके, चलो बैठ के. सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद है. बेसिकली होता है कि कर्टन्स के पीछे जो लोग काम करते हैं उनके नाम याद करने में बहुत साल लग जाते हैं, तो यकीनन मैंने बहुत काम किया है जो आपको मेरा नाम याद है. थैंक यू सो मच. देखो एस्पायरिंग शी अपने आप में नाम ही स्पेसिफिक है कि एस्पायरिंग शी मतलब इंस्पायर करने वाली औरत, इट्स वेरी क्लियर, इसमें बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं. तो आज यहाँ पर हर वो औरत जिसने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया है, एंड एवरी सिंगल वुमेन जिसकी आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज अट्रैक्ट नहीं करेंगी, उनकी फेलियर के पीछे भी क्या कहानियाँ, और उससे जैसे मैंने भी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, और एवरी फेलियर मेड मी अंडरस्टूड ओके दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द राइट वे. सो दैट्स हाउ यू अचीव इन लाइफ. और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती इस बात में कि हर मर्द के पीछे औरत, हर मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है. मैं समझती हूँ कि हर औरत के पीछे उसका हाथ होता है और हर मर्द के पीछे भी होता है. तो बेसिकली संसार को चलाने वाले ब्रह्मा जी ने कहा साक्षात औरत है, तो एस्पायरिंग जी
वुमेन्स को डेडिकेटेड, उनके अचीवमेंट, उनकी सक्सेस को डेडिकेटेड एक अवार्ड है। और ऐसी जो पहल है जो हमारी सौम्यता जी ने, जो अरविंद जी, ये लोग ऐसे हैं जो बेसिकली चाह रहे हैं कि अब सी हमारे सेलेब्स के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा इलाबरेट करूँगी आपको, दो कैटेगरी आती है, एक बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन आप मुझे बताओ, बॉलीवुड को सिर्फ एक चार स्टार छोड़ दो, अगर आप चार एक्टर्स छोड़ दो, या फिर क्रिकेटर्स में से वो जो 11 लोग फील्ड पे खेलते हैं, वो जो हज़ार लोग हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, वो जो टेक्नीशियंस हैं, जो वो कहाँ हैं? दे आर ऑल्सो स्टार, इक्वली स्टार। सो उनको जो कर्टन्स के पीछे लोग हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इस तरीके के अवार्ड्स को देना और इस तरीके से उनके अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने लाना अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडिट है, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। एस्पायरिंग शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने इंस्पायर होते हैं आप इस स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन से जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने? एस्पायरिंग शी इज़ डूइंग आई थिंक अ वंडरफुल इनिशिएटिव टुवर्ड्स एम्पावरिंग वीमेन। एक औरत में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू अचीव सो मच इन लाइफ, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मल्टीटास्क करते करते औरत खुद को प्यार करना भूल जाती है। मेट्रो सिटीज़ में पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी एक दूसरे को एल्बो करके गिरा देती हैं। तो ये जो आज इस मंच पर मैंने सभी अचीवर्स को बोलते हुए देखा है, ये सब कुछ ना कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है सोसाइटी में। हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, हम दूसरे को क्या एम्पावर करेंगे? तो आई थिंक ये एक कुछ हम लोग सब जो मिले हैं आज संडे आफ्टरनून, ये एक अच्छा जरिया है, बिकॉज वन ऑन वन जब आप एक दूसरे को एम्पावर करते हो, और जैसा कि किसी ने कहा था कि एम्पावर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हायर कर लो। मेरी मम्मा, जैसा कि हर बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी और सबसे पहली टीचर होती है, मेरी मॉम मल्टीटास्कर है, लेकिन मॉम ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो या वो कर सकते हो। आज भी इतना अचीव करने के बाद एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा असफलताएँ भी देखी हैं, और मम्मा बस यही बोलती है कि सूरज की रोशनी तो वहीं रहती है, सिर्फ बादल आते जाते रहते हैं। तो मेरी माँ मुझे एम्पावर करती है, मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ, मैं अपनी भाइयों से बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो मंच जो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम भूल गए इसे, तो ये वापस पोक करके हमें बोल रहे हैं डू योर बिट, बिकॉज वी ऑल रिक्वायर इट। एंड इंस्पायरिंग शी बाय एक्नॉलेजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ सच वीमेन, पावरफुल वीमेन हु हैव अ वॉइस, बिकॉज सब में ये दम नहीं होता, मॉडर्न हर कोई होता है, लिटरेट हर कोई होता है, लेकिन अपनी बात को कहना और वो भी मजबूती से कहना हर कोई नहीं कर पाता है। तो ये आज जो औरतें जुड़ी हैं उन सबकी एक आवाज़ है, और अगर हम एक दूसरे की कहानी सुनकर प्रोत्साहित हो सकते हैं, अगर ज़िंदगी में हमारे शायद 1% कमी भी है, तो आज आप लोगों ने वो जज्बा वापस से मुझे उचका दिया। तो इंस्पायरिंग शी, थैंक यू सो मच, बिकॉज ये अप्रिशिएशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आपको, मुझे, इनको सभी को अप्रिशिएशन अच्छा लगता है, एंड आज इस मंच के ज़रिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर्स सो मच लाइट, आई मीन इसके बाद आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंज ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अपने अंदर ये महसूस किया है, और एक एक महिला ने जैसे अपनी बात रखी, आई थिंक दे डायरेक्टली कनेक्टेड विद सोल्स। या वी हैव टू गो नाउ, वी हैव टू, यस, थैंक यू, थैंक यू, या के लिए वो नहीं करती है। सो समहाउ आई फील कि जो ट्रोलर्स हैं वो बिना बात के ट्रोल करने से ज़्यादा ये है, अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है आप चुप बैठिए, और अगर आपको पता है देन इधर आप सपोर्ट कीजिए या मत कीजिए, बट बिना बात का आप ये मत बोलिए कि पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी करता है। सो दैट्स नॉट ट्रू। You know, on a lighter note, where can we see you next? Any upcoming project you would like to share with us? Definitely, you'll come to know very soon, I'm sure. So yes, till then, thoda bahut suspense aur surprises rehne chahiye life mein. Agar life mein suspense aur surprises nahi rahe na, then life bahut hi zyada normal ho jati hai. So yes. Sir, aap kya? I'm Major Arvind Tiwari. Nice meet you. Same here. Sir, anything you would like?
सबसे पहले तो आपको हमेशा से वुमन लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्या कहना चाहेंगे एस्पायरिंग शी के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगता है जब विमेन अवार्ड होता है या एस्पायरिंग शी ऐसे किसी नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि अगर इतने सारे लोग, सो मेनी पीपल आर लुकिंग अप टू यू, आपको अच्छा ही अच्छा करना है आगे जाकर भी, तो हाँ, इट्स एन इंस्पिरेशन एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील, और अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। एज अ वुमन, आपकी लाइफ में ऐसी कोई वुमन है जिससे आप इंस्पायर होती हो, उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें आप? ऑफकोर्स आई थिंक हर बेटी के लिए उसकी माँ एक हीरो है, मेरे लिए भी है, मेरी माँ ही है जिन्होंने, आज मैं जैसी भी हूँ उन्होंने मुझे बनाया है। उन्होंने एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि गिव अप ये चीज़ क्या होती है, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। वो हमेशा मुझे यही बोलती रही, एक ही लाइन कहती, तू तो बहुत स्ट्रांग है। तो इस लाइन ने इतना प्रेशर बना कर रखा है हमेशा कि गिव अप क्या होता है मुझे नहीं पता, और हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये जो चीज़ है ये मुझे मेरी माँ से मिली है, वो मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और मुझे हमेशा एक पुश दिया है कि मैं आगे बढ़ते रहूं। राइट, जैसे हम सब जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो और वुमन के लिए हमेशा से बेबाकी से बात करते हो, तो हमारे देश में जो है मीटू मूवमेंट शुरू हो चुका है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में तनुश्री और नाना पाटेकर, क्या व्यूज़ है आपके अगर उस बारे में? मैं सच बताऊँ तो मैं वहीं पर बोलती हूँ जहाँ पर मुझे पता होता है। मैं नाना पाटेकर की दोस्त हूँ ना मैं तनुश्री की दोस्त हूँ, मुझे सच नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ। हाँ सुन रही हूँ बट फिर भी मुझे डिटेल में नहीं पता, तो मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हर एक औरत को हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाए हर एक चीज़ में और अपने हक के लिए लड़े, चाहे वो आज हो चाहे वो 10 साल बाद हो। लेकिन हाँ, मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किचन की लड़ाई हो, चाहे वो देश की लड़ाई हो, चाहे वो अपने काम की लड़ाई हो, लड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने हक के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। और वो हिम्मत जितनी जल्दी आपके अंदर आए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इनिशिएटिव के बारे में और एज अ वुमन आप क्या सोचती है, वुमेंस को फेलिसिटेट भी किया जा रहा है वहाँ पर, कितना प्राउड फील कर रही हूँ? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ वुमन ओनली आई एम प्राउड, बिकॉज आई थिंक ब्लेसिंग होती है गॉड की, वुमन हैव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन जनरल इन लाइफ, एस्पायरिंग शी एज अ नेम सेज, एस्पायरिंग शी जो लाइफ में कुछ बनना चाहती है शी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है सौमिता तिवारी ने विद मेजर अरविंद तिवारी, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बिकॉज एक्चुअली इन लाइफ में मैंने कभी इतने सारे यू नो अचीवर्स को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं देखा है। तो जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं लोगों की, आप सिर्फ इंस्पायर ही होते हैं, यू गेट रियली मोटिवेटेड टू डू बेटर एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड कनेक्शंस होती है, नेटवर्किंग होती है, और कुछ अच्छा करे, बेहतर करे और लोगों के लिए। एंड आई लव मैन ऑलवेज से एंड आई लव वुमेन एंड आई थिंक टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल द वुमेन्स? लाइक आई सेड, यू नो वुमेन शुड हैव अ वॉइस एंड चॉइस, सो यू नीड टू हैव अ वॉइस एंड आपके पास चॉइसेस होती हैं, अगर आप लाइफ में दो चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। डोंट वेट फॉर थिंग्स टू यू नो कि कुछ वक्त के बाद कुछ करूँगा, वक्त किसी के पास नहीं है, बहुत कम वक्त होता है लाइफ में, तो जो भी ड्रीम है आप पूरे दोनों बाहें फैला के यू नो गो हैड एंड जस्ट लिव इट अप एंड अचीव ऑल यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, सब हो सकता है लाइफ में, यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ। एस्पायरिंग शी, सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर वीमेन टू टॉक अबाउट इट, बट आई फील दैट इवन मैन हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी एंड ऑल दोज ऑफ यू बिहाइंड द कैमरा, यू ऑल हैव मदर्स, यू हैव डॉटर्स, यू हैव सिस्टर्स इन योर हाउसेज, रेस्पेक्टिव हाउसेज, सो किया है इन्होंने, वुमेंस को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं और कितना हौसला बढ़ेगा जो वुमेंस यहाँ पर आई है? देखिए, इस अवार्ड फंक्शंस तो बहुत होते हैं, हम खुद भी बहुत सारे, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत सारे अवार्ड करता है, लेकिन इस अवार्ड फंक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत ही अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो फील्ड हैं,
इसमें से बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं है उन्हें भी मतलब लाया गया है। बहुत सारे मतलब जो बोलते हैं ना कि वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, और बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से यहाँ पर महिलाओं को चुना गया है और उन्हें मतलब एक अचीवर्स के तौर पर एक अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि हम सभी मुझे लगता है हम प्राउड फील कर रहे हैं। हम काम अवार्ड के लिए कभी नहीं करते हैं, कोई भी काम अवार्ड के लिए नहीं करता है, लेकिन जब उसके काम को एक अवार्ड के तरह एक तरह से एक रिकग्निशन मिलता है तो खुशी ज़रूर होती है और बिल्कुल हौसला तो ज़रूर बढ़ता है। Yes, of course. मैं अंग्रेजी में बात कर सकती हूँ? ओके, सो वी आर एक्चुअली रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू कम टू सच अ प्लेटफॉर्म वेयर वुमेन, एज रेखा जी सेड, हैव बीन ऑनर्ड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लर्न फ्रॉम वन अनदर। इट्स अ चॉइस एंड अ वॉइस दैट वी हैव। इफ एनीबडी हैज हैड अ प्रॉब्लम, दे हैव स्पोकन अबाउट इट। And I don't believe in women empowerment. I don't think you need to empower a woman. I think a woman is powerful on her own. हम लोग जितने roles हम लोग manage करते हैं, you're a mother, you're a wife, you're a working woman, you're a daughter-in-law, you're a friend. I think we're managing all our roles wonderfully. And it's really, really nice to get support from all our families, all our husbands. And that's the only way we can achieve it. So thank you very much, Saumitra Tiwari and Major Arvind Sharma, for having us here. Thank you. व्यवस्थी मिसेज इंडिया इंटरनेशनल। सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एस्पायरिंग शी, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया हमको कि अवार्ड्स मिलते हैं तो हम लोग को एक मोटिवेशन फील होता है कि हम अपने लाइन में कुछ कुछ अच्छा करते रहें, एंड एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, एंड उससे हम लोग और ग्रो होते हैं। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके नए नए फील्ड में अपना कदम रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है सौम्यता तिवारी ने हमको। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, but I'm enjoying a lot. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. शी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एज अ वुमन कितना प्राउड फील करती है जब वुमन को फेलिसिटेट किया जाता है? ऑल टुगेदर ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जो इनिशिएटिव जो लिया है सौम्यता तिवारी एंड ऑफकोर्स मेजर आनंद तिवारी ने, इट्स लाइक ऑसम प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द वुमेन स्पेशली। एंड वी ऑल आर अवेयर नाउ, यू नो, कि जो वुमेन एम्पावरमेंट हम जो बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम इस चीज़ को प्रूव भी करते हैं विद ऑल द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट। और हमने हर कोई जहाँ पे यू नो वी आर लाइक फेलिसिटिंग ऑलमोस्ट लाइक 100 वुमेन ओवर ईयर, तो हर किसी ने अपने प्लेटफॉर्म में अपने फील्ड में बकायदा बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड ये जो अचीवमेंट है, और जब उस अचीवमेंट को हम सराहते हैं इस तरीके से, देन येस वी रियली फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। बिकॉज पहले के ज़माने में हम जानते हैं, यू नो, हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, हमें हमेशा ये बोला जाता था कि कुछ भी कर लो, लाइक बींग ए गर्ल, बींग ए वुमन, कुछ नहीं होने वाला। इवन जो पहले के ज़माने में होते थे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं अलाउड थी। तो आज अभी जिस टाइम पे पढ़ाई लिखाई नहीं अलाउड थी, आज लड़कियाँ, आज वुमेन आज ऐसे लाइक यू नो आई कुड से मुकाम में है जहाँ पे इस तरीके से लाइक फेलिसिटेट किया जा रहा है। सो ये अपने में बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है। सो एज अ वुमन, आपकी लाइफ में बहुत सारी वुमन आई होगी, तो आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया? हालांकि आप भी बहुत लोगों को इंस्पायर किया।